सौम्यता के साथ अपनी बात स्पष्टता से कहने वाले और राजनीतिक तौर पर उत्कृष्ट राजनीतिकार रहे। तो आम लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं जिसने नौकर को कभी नौकर नहीं समझा। जिसने ड्राइवर को कभी सिर्फ एक ड्राइवर नहीं समझा, उनकी दवा हो या पढ़ाई। जेटली ने सबका ख्याल रखा। जेटली के बच्चों ने जिस स्कूल में पढ़ाई की वहीं से उनके ड्राइवर और कुक के बच्चे भी पढ़े। और अगर किसी स्टाफ का बच्चा विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर करता तो जेटली ने उसका भी इंतजाम किया। जेटली परिवार के खानसामा की बेटी लंदन में पढ़ाई कर रही है। जेटली संग रहने वाले गोपाल भंडारी का एक बेटा इंजीनियर तो दूसरा डॉक्टर है। 2005 में जेटली ने अपने असिस्टेंट रहे ओपी शर्मा के बेटे को कानून की पढ़ाई के दौरान वीआईपी नंबर वाली अपनी कार तोहफे में दे दी थी। वसुंधरा इलाके में पत्रकार परिसर सोसाइटी के बाहर बैठने वाला मुन्ना टेलर। अरुण जेटली और मुन्ना में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन एक रिश्ता था जो अरुण जेटली हर किसी मददगार से जोड़ लेते थे। मुन्ना को दिल की बीमारी थी। स्थिति ऐसी हुई कि बच सकने की गुंजाइश बहुत कम। एक पत्रकार ने मुन्ना टेलर की हालत देख फौरन अरुण जेटली से संपर्क किया और व्यथा बताई, जिसके बाद अरुण जेटली ने भरोसा दिलाया कि चिंता ना करे, सब ठीक होगा। और हुआ भी वही। मुन्ना आज सकुशल अपने परिवार के साथ है। अगर अरुण जेटली उस समय मदद नहीं करते तो शायद मुन्ना आज का दिन नहीं देख पाता। जेटली को महंगी कारों घड़ियों का काफी शौक रहा। डांस नहीं आता था, लेकिन दोस्तों के साथ शुरुआती दौर में वो खूब डिस्को गए। लेकिन हाँ, सबसे बढ़कर अरुण जेटली को खाने का बेहद शौक था। उन्हें हर एक जगह की जानकारी रहती थी कि कौन से इलाके में क्या अच्छा मिलता है। जैसे कनॉट पैलेस के मशहूर क्वालिटी रेस्टोरेंट के चने भटूरे, पुरानी दिल्ली की जलेबियां, कचौड़ी और रबड़ी फलूदा, दिल्ली के मोती महल का रोगन जोश। अरुण जेटली को नॉनवेज और पंजाबी खाना सबसे ज्यादा पसंद था, जिसमें अमृतसरी कुलचा उनका फेवरेट था। जब भी उनके घर में पार्टी होती तो अमृतसरी कुलचा जरूर बनाया जाता था। अरुण जेटली अब सिर्फ यादों में बच गए हैं। उनके फैंस, उनके सपोर्टर्स, एक काबिल प्रशासक के तौर पर उनकी छवि, एक तेज तर्रार वकील के तौर पर उनकी पहचान और यारों की यार, ऐसे थे अरुण जेटली। अलविदा जेटली साहब, आप हमेशा हमारी यादों में बने रहेंगे। R9 TV की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि।